हे विधाता, आज ये क्या हालात कर दिए हैं मेरे। एक क्षत्रिय जिससे सारी दुनिया दहल जाती है, संसार के अंदर अभी तक कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ था जो राजा हरिश्चंद्र का मुकाबला कर सके, पर आज एक मामूली सा मटका अगर भर लेता हूं तो उठाया नहीं जाता। क्या इससे भी कोई बुरी दुर्दशा बनाने के लिए तैयार है? हे परवरदिगार, अगर मैं तेरा सच्चा सिपाही हूं तो मेरी मदद कर, मेरी मदद कर प्रभु, मेरा कोई मददगार भेज दे। अगर आज धनतेरस का दिन है, वरना नदी के इस घाट से पानी लेकर के नहीं गया गया, मेरा मालिक नाराज हो जाएगा, और अगर चे कालिया नाराज हो जाएगा, घर से तार देगा, मेरा धर्म वृद्ध बात चली जाएगी। अगर धर्म चला गया तो जीने को जगह नहीं रहेगी। रे मालिक, अपने भगत की पुकार सुन ले और मेरा कोई मददगार भेज दे। कौन इंसान है यहां जो इस तरीके से बैठा है? नीचे गर्दन है, कैसा, एक घड़ा तक नहीं उठाया जा रहा इससे, आखिर ये कौन है? हो ना हो, ये तो मदनावत की आवाज है। प्यारी तारा, महाराज महाराज आप, और ये कैसा भेष? के पियाजी, मैंने तो किन हालातों में आपको छोड़ा था, और आज ईश्वर ने हमें मिलाया है तो कैसे हालातों में मिला दिया? ये क्या भेष बना रखा है आपने अपना? तारा, आप तो भली भांति जानती हो कि 40 बार सोने में आपको बेचने के बाद जो 20 बार सोना शेष रह गया था, उसके बदले में मैंने अपने शरीर को एक भंगी के यहाँ पे बेच दिया। क्या? हाँ तारा, इस वक्त तेरा पति कालिया नाम के एक भंगी का नौकर है। तारा, यह तो मेरी प्रारब्ध है कि विपता के समय में आपका दीदार हो रहा है। ब्याही, इन आंसुओं की धारा को हृदय के अंदर समाहित कर ले, बाहर ना निकलने दे, क्योंकि यह जमाना बाहर के आंसू देख करके बहुत हंसी उसे उड़ाता है। तारा, कभी फिर मुलाकात होगी तो मैं आपसे आपका हालचाल जानूंगा। आज जहां तूने अपनी जिंदगी में इतने ऋण मेरे सर पे चढ़ा दिए हैं, वहीं आज एक और छोटा सा कार्य कर दे। कहिए महाराज। मेरा ये घड़ा देख रही हो? देख रही हूं। इसे भरता हूं तो फिर उठाया नहीं जाता। ब्याही, मैं इस बटके को भर लेता हूं, आप इसे थोड़ा सा हाथ लगा के मेरे सर तक रखवा दीजिए। नहीं महाराज, आपकी हालत को देख के दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे माफ करना, मैं आपके घड़े को नहीं उठवा सकती हूं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। महाराज, अगर रिश्ता टूटा है ना तो वो आपकी वजह से। मैंने आपको तभी मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये हालत आपने हमारी बनाई है, ये हालत अपनी खुद की आपने ही बनाई है। धर्म की बातें करते हो, आपको नहीं पता क्या, मैं आपके सामने नहीं बिकी थी काशी के बाजार में, मैं एक ब्राह्मणी के घर में रहती हूँ। ये घड़ा, क्योंकि जैसा मैं आपका भेष देख रही हूँ, आप एक भंगी के घर में नौकरी करते हो, मैं आपके घड़े को हाथ लगाऊंगी तो मेरा और मेरी ब्राह्मणी का धर्म घट जाएगा, मैं आपके घड़े को छू भी नहीं सकती। एक बैरानी खड़ा थवा दे, यो जाता कोई ना ठाया, लेकिन क्यों करे घड़ा ठवा दियो बिया जी, भेड़ जागी मेरी काया।
एक बहरानी घड़ा ठवा दे जाता कोई ना ठाया तू कर घड़ा ठवा दू पिया जी जागी मेरी काया तू कर घड़ा ठवा दू पिया जी एरी घड़ा ठवा के हाथ धोलिए के घट जागा तेरा तेरे घड़े के हाथ लगा दियो तो धर्म बिगड़ जा मेरा धर्म कर्म के बारे में मन पाट्या कोई ना बेरा तू भंगी घर रहे पिया मेरा ब्राह्मण के घर तू भंगी घर रहे पिया मेरा ब्राह्मण के घर लाते कपड़े ते कपड़े ना लिया यारी ना अनभंगी के खाया एक जगह पे रह के पिया बता किसने बात बचाया एक जगह रहने ते साजन किसने बात बचाया छोटे भाई विनय चौधरी जी हमारी इस रागनी पर हम दोनों कलाकारों को 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करता हूं आदरणीय सरपंच श्री रामपाल जी सरपंच संघ अध्यक्ष मंडावर 200 रुपये का पुरस्कार इस धार्मिक रागनी पर देते हैं श्री रामपाल सरपंच साहब का बहुत बहुत हृदय से स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन जाथर थोड़ा बोझारी ज्यादा जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा क्यों कर घड़ा ठवा ले एक विधि अरे एक विधि मैं तने बताऊं बेशक ते अजमाले अरे कौन सी विधि बतावे प्याही वा भी भरम मिटाले छाती 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 जल में बढ़ के नीची नाल झुकाले छाती जल में बढ़ के नीची नाल झुकाले जल में गोता ल्यावन का एरी जल में गोता ल्यावन का तने ठीक यतन बतलाया और तले सी हो के ठाले ना दुख पाया और तले सी हो के ठाले तू इतना दुख पाया लेकिन तारा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम मेरी ब्याही हो या पराई हो विपता के समय में यूं कहा करते हैं अक धीरज धर्म मित्र और नारी धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी आफत के समय में धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों को परखना चाहिए एक पतवरता के नियम कानून कायदे बनते हैं वो अपने पति की हर संभव मदद करे आज क्या तुम मदना मत नहीं रह गई हो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं रह गई हो क्या तुम्हारी नजरों में मैं दुनिया से गिरा हुआ नीच इंसान हूं और तारा अगर मैं नीच हूं तेरी नजर में अगर मैं भंगी हूं तो सरदारों इस दुनिया में दो चीज सबसे पवित्र हैं सदा से पवित्र थी और आगे भी पवित्र रहेंगी जानती हो क्या महाराज मिट्टी और जल
ये हमेशा पवित्र है। तारा, अगर मेरे घड़े को हाथ लगाने से तुझे नीचता आती है, ओ मेरी ब्याही, मेरी अर्धांगिनी, एक बार मिट्टी लगा के अपने तन पे और इस वरना नदी में जाकर के स्नान कर लेना, तुझे नीचता नहीं आएगी, तू ब्राह्मणी की ब्राह्मणी बनी रहेगी और मेरा घड़ा भी उठ जाएगा, इसलिए हाथ लगा दे। महाराज, मैं पहले भी आपकी पत्नी थी, आज भी हूं और ता जिंदगी रहूंगी, लेकिन आज आपकी पत्नी होने से कहीं ज्यादा मैं अपनी मालिक की वफादार हूं। महाराज, काशी में जिस दिन उसने खरीदी थी उसी दिन मैंने अपनी जिंदगी अपनी मालकिन के नाम कर दी थी। जो उसका हुक्म होगा मैं उसके हुक्म को कभी टालूंगी नहीं। अगर मैंने आपके घड़े को या आपको हाथ लगा दिया तो मेरी ब्राह्मणी इन बातों को नहीं मानती है कि मिट्टी और पानी ये शुद्ध होते हैं, वो मुझे घर से निकाल देगी और आपके बाद मेरा और मेरे बेटे का कौन ख्याल रखेगा। कम से कम वहां धोने वाले तो खाने के लिए मिल जाते हैं। महाराज, हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में, मैं ब्राह्मण के रहूं पिया तेरी आई नहीं घर में। अरे वक्त पड़े पे तू धोखा देगी, वक्त पड़े पैर धोखा देगी, तेरे फरक आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पले में, उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पले में। समय समय के खेल बावड़ी, समय समय के खेल बाबड़ी, या ढलती फिरती छाया जब कहे सुने, जब कहे सुने कि ना मानी तने राज पाठ ठुकराया, कहे सुने कि ना मानी तने राज पाठ ठुकराया। आदरणीय बड़े भाई ईश्वर प्रधान जी मुंडावर पंचायत समिति भाई साहब की तरफ से 200 रुपए, सरपंच श्री सतपाल जी ग्राम पंचायत खानपुर अहीर उनकी तरफ से भी 200 रुपए, हमारे सूबेदार श्री लक्ष्मी चंद जी रड़वा 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। धन्यवाद। सत का बंधन, सजनों बहुत ध्यान देने योग रागनी आगे की जो लाइन है, सत का बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए ते हो जा, सोच समझ के ओ साजन तू सुकर्म के फल बो जा, जो ना आगे की बात बिचारे वरह में कांटे बो जा, उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसो जा, उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसो जा। गुरु मान सहेंगी ने दुख विपता का, मान सिंह ने दुख में पता का कितना समय बिताया, लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में, लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया, एक बहरानी घड़ा ठवा दे जाता को न ठाया, क्यों कर घर